मनोहर सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और 200 योजनाओं का जनता लाभ उठा रही है। इसी के साथ और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। की जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देके पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार हरियाणा में बनवाई। हालांकि उससे पहले भी हम लोग छोटे पार्टनर के नाते गठबंधन में किसी ना किसी के साथ सरकार में रहे, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी। जिस प्रदेश के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, पर्ची खर्ची का बोलबाला था, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस व्यवस्था पे सबसे पहले चोट की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले 3 सी, उन 3 सी में क्या आता है, क्राइम, करप्शन, कास्ट, इसके ऊपर चोट की, और 5 एस जिसको मनोहर लाल जी ने बढ़ावा देना शुरू किया वो क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाविलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान, सरकार ने इन 5 एस को बढ़ावा देना। जब हरियाणा प्रदेश की सरकार ने करप्शन पे चोट की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियों के मामले में जिस तरह से पर्ची खर्ची चलती थी हम सभी जानते हैं, जिस तरह के हालात प्रदेश के अंदर नौकरियों के मामले में नौकरियों की बंदरबांट होती थी वो हम सबने देखा। ऐसी व्यवस्था पे जब चोट हुई, क्योंकि करप्शन होता था राजनीतिक संरक्षण में, करप्शन होता था सामर्थ्यवान लोगों के संरक्षण में, नौकरियों के मामले में आप बेहतर जानते हैं जिस तरह के गैंग्स हरियाणा प्रदेश में सक्रिय थे, वर्तमान सरकार ने उन गैंग्स पे चोट की तो हमारे कुछ विपक्षी मित्रों को तिलमिलाहट भी हुई। उन्होंने झूठ का सहारा लेके हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया। माध्यम उनका पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कुछ लोग गोयबल से बहुत, इस प्रदेश के अंदर लगभग 200 ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के हित में चल रही हैं, उनके अंदर योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र से वित्त पोषित हैं, 150 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार के द्वारा वित्त पोषित हैं, लेकिन मैं सभी योजनाओं का जिक्र तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कुछ सीमित योजनाओं का जिक्र करूंगा जो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से उन योजनाओं को लेके आए। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में एक समस्या थी, सरकारी योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था। आम जन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पे मजबूर होते थे, अगर किसी को पेंशन लगवानी है तो उसको सरकारी दफ्तर में कागज जमा करवाने हैं, अपनी आईडी जमा करवानी है, सर्टिफिकेट जमा करवाने, जो भी, और वो दफ्तरों के चक्कर काट काट के परेशान हो जाते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस तरह की समस्या जनता के सामने ना आए, सरकारी योजनाओं का लाभ उनको घर बैठे मिले, इसके लिए परिवार पहचान पत्र PPP, आपने इस योजना के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है, बहुत कुछ दिखाया भी है, जिस तरह से पूरे हरियाणा के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके डोर स्टेप पे मिले, ये PPP के नाम से परिवार पहचान पत्र एक योजना बनानी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि अब जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन के विषय हो, चाहे सब्सिडी का विषय हो, जो भी योजनाएं हैं उसके लिए आम जन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने। ये मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के नाम से मनोहर लाल जी एक योजना लेके आए, जिन परिवारों की आमदन 1 लाख रुपए सालाना से कम है ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया। हरियाणा में लगभग 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आमदन 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके सरकार ने एक टारगेट निश्चित किया कि 1 लाख, पहले 1 लाख परिवारों को एक साल में उनकी आमदन कैसे बढ़े उसके ऊपर सरकार काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए रोजगार मेले लगाने शुरू किए,
जो बैंक हैं उनसे सहयोग लिया गया। अगर कोई व्यक्ति अपना कोई छोटा कारोबार कोई काम करना चाहता है उसको बैंक से आर्थिक सहायता मिले, ये सरकार ने सुनिश्चित किया। नतीजा ये हुआ कि लगभग 33,000 लोगों को बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया सरकार ने, जिससे उन्होंने अपना छोटा काम जो भी जिस तरह का कारोबार वो करना चाहते।